again, welcome back to my channel, Freelancing Female, that is RJ Akanksha. अगर आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है तो मैं एक सिंगल मदर भी हूँ. मेरी 10 साल की बेटी है और एज अ फ्रीलांसर पिछले 3 साल से जब मैंने काम करना शुरू किया है तो मुझे इसके 2 फायदे समझ में आए हैं. अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ मैं मेरी बेटी को ज्यादा टाइम दे पाती हूँ, तो एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है क्योंकि मैं जॉब के साथ में भी अपनी बेटी को ऑलमोस्ट टाइम दे पाती थी. लेकिन अच्छी चीज ये होती है कि मैं पूरे टाइम घर पर होती हूँ तो मैं घर को और अपने काम को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर पाती हूँ. नंबर वन, बेवजह की कम्यूटिंग में जो बैंगलोर जैसे सिटी में रहते हुए मेरा टाइम जाता था 1 घंटा 1.5 घंटा कभी कभी 2 घंटा, वो नहीं जाता है. ऑल्सो कम्यूटिंग के पैसे बच जाते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, न सिर्फ मैं मेरी बेटी के साथ ज्यादा टाइम रह पाती हूँ बल्कि जो अननेसेसरी मेरे खर्चे होते थे, जैसे उसके लिए कोई डे केयर ढूंढना या फिर नैनी अपॉइंट करना जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है और कंपनी आपको वो प्रोवाइड नहीं कराती है, उसके भी बहुत सारे पैसे बच जाते हैं. तो इसीलिए मैंने सोचा आज का वीडियो मैं ऐसा बनाती हूँ जिसमें मेरी जैसी बहुत सारी जो फीमेल्स हैं जो घर से काम करना चाहती हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं, तो उनके क्या ऑप्शंस हो सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के. ऐसे कुछ ऐप्स के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ. जैसे नंबर 1 ऐप है मीशो. मीशो एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप अपना ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं. एंड नाउ मीशो आईपीओ में भी एंटर कर रहा है, यानी कि एक पब्लिक एंटिटी बन रहा है, तो इस ऐप को आप पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी मान सकती हैं. इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपना एक ऑनलाइन स्टोर तैयार करना है और आप इस पे जैसे ही आप लॉग इन करते हैं तो इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें अपनी कैटेगरी चुन लेनी है और उस कैटेगरी को चुनने के बाद आप उनके लिंक्स व्हाट्सएप की स्टोरी की तरह, इंस्टाग्राम की स्टोरी की तरह या फिर व्हाट्सएप सोशल मीडिया अपने अकाउंट्स यूज करते हुए आप इनके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कीजिए. और इस लिंक से अगर लोग कुछ भी सामान खरीदते हैं तो जो आपका बीच का प्राइस होगा, यानी कि होलसेल दाम पे आप मीशो से सामान लेंगे और सेल करेंगे तो जो बीच का रिटेल प्राइस होगा वो आपका इसमें प्रॉफिट होगा. खास बात यह है कि मान लीजिए आपने कपड़ों की कैटेगरी चुनी है तो आपको कपड़े सोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी मीशो पे जो क्लोथ्स की कैटेगरी आपने चूज की है उसके लिंक्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और पैसे अर्न कीजिए. दूसरा ऐप, ये ना सिर्फ फीमेल्स के लिए है बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी है, ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए भी है जो बहुत घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं और अलग अलग जगह के एक्सपीरियंसेस लेते हैं जैसे कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स. तो आप गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड दोनों ही iOS और Android पे अवेलेबल है और इसमें जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग करते हैं तो अगर वो शॉपिंग के लिए सर्वे अवेलेबल है या फिर उस जगह के लिए सर्वे अवेलेबल है तो वो आपको इंटीमेशन पे आ जाएगा आपकी लोकेशन के थ्रू. उस सर्वे को आप मुश्किल से 1 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्लीट करने के बाद पूरे हफ्ते भर के बाद में अगर आप चाहें तो उस क्रेडिट से गूगल प्ले स्टोर पे से कुछ खरीद सकते हैं या फिर उस अमाउंट को कुछ टाइम के बाद में अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर आप आईफोन पे इसका इस्तेमाल करते हैं तो पैसे सीधे आपके पेपैल अकाउंट में आएंगे और अगर आप इसको एंड्रॉयड पे यूज कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप पैसे किसी भी मोड में ट्रांसफर कर सकते हैं. नेक्स्ट ऐप है रोज धन. जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, हर रोज धन, एवरी डे यू कैन अर्न मनी. अब इस ऐप की खासियत यह है कि इसमें बहुत कुछ है. इसमें आप सर्वे ले सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, क्विजेस ले सकते हैं, फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हैं, इसमें अफिलिएट लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हैं. मतलब इनके रोज के बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें से आप अपनी पसंद की चीजें कर सकते हैं. खास बात यह है कि ये जो रोज धन है इट्स एन एंटरटेनमेंट ऐप. एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट होता है और पैसे की अर्निंग भी हो जाती है. इसमें जो भी छोटा मोटा अमाउंट आप अर्न करते हैं, अगर हफ्ते भर में अर्न करते हैं, उसे आप अपने पेटीएम के वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर आप इस पे कंसिस्टेंट रहते हैं तो धीरे धीरे आप इस पे थोड़ी साइड इनकम ज्यादा बढ़ा सकते हैं. वंस अगेन इसकी अच्छी बात यह है कि आप कैश अपने पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं. नेक्स्ट ऐप खासकर उन लोगों के लिए है जो ट्यूटर हैं और अब ऑनलाइन ट्यूटरिंग करना चाहते हैं. देखिए पैंडेमिक के बाद से ज्यादातर क्लासेस लोग ऑनलाइन लेना पसंद करते हैं. इसके बहुत सारे अपने फायदे होते हैं तो इसीलिए आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस ऐप का नाम है वॉन्क, WONK.
इस पर आप एज अ ऑनलाइन ट्यूटर काम कर सकते हैं और पर आवर के हिसाब से आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। ये बहुत सारी फीमेल्स के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऑनलाइन ट्यूटरिंग में एक तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल डिसाइड कर सकते हैं। तो आप इस ऐप को भी सर्च कर सकते हैं, ऐप का नाम है WONK वॉन्क। नेक्स्ट ऐप शीरोज, SHEROES, जैसे कि शी और हीरोज को मिलाकर बना है। ये एक बहुत ही पॉपुलर विमेन कम्युनिटी है और अब ये विमेन कम्युनिटी एज अ ऐप भी आपके लिए अवेलेबल है। आप इसे कह सकते हैं कि ये फीमेल्स की naukri.com है। ये काफी साल पहले से स्टार्ट की गई है। इसमें न सिर्फ आपको विमेन ओरिएंटेड जॉब्स, करियर अपॉर्चुनिटीज, अगर आप बच्चा होने के बाद, मैटरनिटी लीव के बाद, ब्रेक के बाद में रिज्यूम करना चाहती हैं अपना करियर, इससे रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिलेंगी, वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि आप ऑलरेडी एक बिजनेस वुमन हैं या कोई सामान सेल करना चाहती हैं, तो आप शीरोज के ऐप पे अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी खर्चे के, और उस ऑनलाइन स्टोर पे आप अपना सामान सेल कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। मान लीजिए आपका एक बुटीक है और आप अपने जो बुटीक पे बनाए हुए, डिजाइन किए हुए सूट हैं उनको सेल करना चाहती हैं, तो शीरोज आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये विमेन कम्युनिटी है, आपका जो टारगेट ग्रुप है ऑलरेडी इस ऐप पर प्रेजेंट है। आपको अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है और ऑनलाइन स्टोर पे अपना सामान सेल करना है। अगर शीरोज इस ऑनलाइन स्टोर के लिए कुछ कमीशन लेते हैं तो वो बहुत ही नॉमिनल सा होता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और लास्ट ऐप है अर्न करो ऐप। जैसा नाम से समझ में आ रहा है, आपने बहुत सारे प्रोग्राम सुने होंगे जिसमें होता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आपके पास एक लिंक आता है, उस लिंक को अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करते हैं और आपके फ्रेंड्स और फैमिली अगर उस लिंक से शॉपिंग करते हैं तो उसका कमीशन आपको मिलता है। अब इसमें अगर आपको बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है एफिलिएट मार्केटिंग के, लेकिन फिर भी इससे पैसे अर्न करने हैं, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे कई सारी वेबसाइट से इन्होंने डील की हुई है, उनका सामान इनके ऐप पर है। अब इस ऐप से अगर आप लिंक यूज करते हैं तो वो एक अफिलेट लिंक की तरह काम करता है। अपने सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से व्हाट्सएप स्टोरी में अगर आप वो लिंक शेयर करते हैं और आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई उससे शॉपिंग करता है, तो इसका जो कमीशन है वो आपको मिलेगा इस ऐप के थ्रू। ऐसे हो गया ये अर्न करो ऐप। तो आज मैंने आपको ये सारे ऐप्स बताए जो स्पेसिफिकली मैंने फीमेल्स को टारगेट करते हुए बताए हैं, जो घर से कुछ काम करना चाहती हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी वीडियो के साथ में मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स के तौर पे, जो आप यूट्यूब या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, जहां पर मैं आपको ऐसे ऐप्स के बारे में बताऊंगी जिन ऐप्स से आप साइड अर्निंग कर सकते हैं, या फिर उन एप्स पे अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरे वीडियो आपको काम के लगते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। साथ ही मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा जो वीडियोस पसंद किए जाते हैं वो है फ्रीलांसिंग से जुड़ी टैक्सेशन की नॉलेज, तो उससे रिलेटेड पूरे वीडियोस जो हैं वो इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। तो आप अपनी नॉलेज टैक्सेशन को लेकर जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड होती है वो भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर मैं अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी आर्जिंग लाइफ और अपनी वॉइस ओवर्स और अपनी काफी सारी रोज की चीजों के बारे में भी बहुत सारे अपडेट्स देती हूँ। सो डू कनेक्ट विद मी ऑन आरजे आकांक्षा ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।